गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, वेलकम टू खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रेप क्लास, आज अपना सब्जेक्ट है मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। अपन देखते हैं आज डेट क्या है एंड डे कौन सा है। आज डेट क्या है? 28 जुलाई 2020। क्या डेट है आज? 28 जुलाई 2020। और डे कौन सा है आज? ट्यूजडे। कौन सा डे है आज? ट्यूजडे। ट्यूजडे की स्पेलिंग क्या होगी? TUESDAY ट्यूजडे। TUESDAY ट्यूजडे। ट्यूजडे को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? मंगलवार। ट्यूजडे को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? मंगलवार। और अपना सब्जेक्ट कौन सा है आज? मैथ्स। मैथ्स में अपना आज टॉपिक है एडिशन। क्या है? एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़ना। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़ना। एडिशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ना। एडिशन को हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। और जोड़ को अपन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। प्लस एडिशन का टिक कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है? ये प्लस, ये क्या है? एडिशन है। ये क्या है? एडिशन है। कल अपन ने मैथ्स में पढ़ा था, पहले अपने 1 to 50 काउंटिंग पढ़ी, फिर उसके बाद में अपन ने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी। आज अपना टॉपिक है एडिशन। एडिशन का चिन्ह कैसा होता है? ये प्लस वाला। ये प्लस वाला क्या होता है? एडिशन होता है। प्लस, तो जहाँ प्लस हो उसमें अपन को क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड एंड राइट। मैं इस तरफ ड्राइंग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी ऐड करके कैसे करते हैं एडिशन। जैसे यहाँ पे मैंने होल बनाई है, 1, 2 और 3 बॉल्स। यहाँ पे प्लस किया है। प्लस मीन्स क्या होता है? एडिशन। प्लस क्या होगा? एडिशन। और यहाँ पे और बॉल बनाऊ मैं, 1 और ये 2 बॉल। प्लस, अब देखो अपन को क्या करना है? काउंट करके जो मैंने बॉक्स बनाए हैं उसमें काउंट करके अपन को लिखना है। अब ये कितनी बॉल है? 1, 2, 3 3 बॉल है इधर। तो अपन इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? 3। इस बॉक्स में अपन क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि ये बॉल 3 थी, 1, 2, 3। तो अपन इस बॉक्स में क्या लिखा? 3। प्लस, अब इस तरफ कितनी बॉल बनी हुई है वो अपन काउंट करके इस बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ऐड एंड राइट। इनको ऐड करके अपन, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। ऐड मीन्स क्या होता है? जोड़ना। इनको जोड़ के अपन को लिखना है। तो इनको प्लस करो, कितने में? 1, 2 कितनी बॉल है इस साइड? 2। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे 2 बॉल थी तो अपने 2 लिखा, और इस तरफ 3 थी, 1, 2, 3, तो अपने यहाँ पे 3 लिखा। अब क्या करना है? इन दोनों में से, दोनों साइड में जितनी बॉल है ना, उन दोनों को काउंट करके अपन को एक बॉक्स में रिफिल करना है। इस तरफ 3 बॉल है और इस तरफ 2 बॉल है, तो इन दोनों को साथ में रहना है। ये दोनों काउंट करके अपन को बॉक्स में लिखना है। दोनों काउंट करके कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बॉल हुई? 1, 2, 3, 4, 5 तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे 5। दोनों तरफ कितनी बॉल है? इस तरफ 3 बॉल है और इस तरफ 2 बॉल है। दोनों तरफ साथ में काउंट की तो कितनी बॉल थी? दोनों तरफ 5 बॉल है। 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बॉल है? 5। 3 और 3 + 2 कितने होंगे? 5 होंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं 3 लाइन बनाती हूँ, 1, 2, 3। और यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन, 1, 2। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 5। तो एडिशन में क्या होगा? पहले मैंने इस तरफ का ड्राइंग काउंट करके लिखी, इस तरफ 3 थी, 1, 2, 3 तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। इस तरफ 2 थी तो 1, 2 तो मैंने 2 लिख दिया। अब इस बॉक्स में अपन को दोनों लिखना है, दोनों मिलाकर कितनी बॉल है। तो दोनों मिलाकर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 दोनों मिलाकर कितनी बॉल है? 5 बॉल है। एक और ड्राइंग बनाती हूँ मैं यहाँ। वन टू थ्री फोर फाइव और ये 6। इस तरफ मैंने 6 स्टार बनाए हैं। इस तरफ 1, 2, 3 प्लस, ये मैंने बॉक्स बनाए हैं। अब आपको दोनों ड्राइंग काउंट करके बॉक्स में लिखनी है। अब ये पहले ये इसका काउंट करके अपन इस बॉक्स में लिखेंगे।
1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने स्टार है इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स स्टार है तो अपन इसमें क्या लिखेंगे 6 फिर प्लस फिर इस तरफ कितने स्टार है वो काउंट करने हैं 1, 2, 3 इस तरफ कितने स्टार है 1, 2, 3 कितने स्टार है इस तरफ 3 स्टार है तो इस बॉक्स में क्या लिखूंगी मैं 3 अब इस तरफ 3 से तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया इस तरफ 6 से तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया अब इस बॉक्स में क्या करना है इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है दोनों को साथ में लिखना है कि दोनों तरफ कितने स्टार है इस तरफ 6 है और इस तरफ 3 है तो इस बॉक्स में लिखना है अपन को दोनों तरफ मिलाकर कितने स्टार है दोनों तरफ मिलाकर कितने स्टार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने स्टार है पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 6 प्लस 3 क्या होगा 9 होगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बनाई इस तरफ 1, 2, 3 लाइन बनाई अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं 9 6 और 3 कितने होंगे 9 होंगे जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 अब दोनों को साथ काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 हो गए अब अपन को 3 और करने हैं 1, 2 और 3 अब दोनों को साथ काउंट करना है अपन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 6 और 3 कितने होंगे 9 6 और 3 कितने होंगे 9 इस तरफ क्या था इधर बॉल कितनी बनी हुई थी 1, 2, 3 तो अपन ने यहाँ पे लिखा 3 इस तरफ बॉल कितनी थी 1, 2 तो अपन ने यहाँ पे लिखा 2 अब दोनों को काउंट करके ये प्लस है ना प्लस मीन्स क्या होता है दोनों साइड का काउंट करके अपन को एक साथ लिखना है तो प्लस मीन्स एडिशन होता है दोनों को ऐड करके अपन को यहाँ लिखना है तो दोनों को ऐड किया तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5 दोनों को ऐड किए तो कितनी हुई 5 तो अपने यहाँ पे क्या लिखा 5 फिर इधर स्टार बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्टार है अपने यहाँ पे 6 लिखा फिर प्लस है फिर इस तरफ 1, 2, 3 3 स्टार है यहाँ पे अपन ने 3 लिखा अब अपन दोनों इन दोनों को प्लस लिखा हुआ है तो दोनों को ऐड करके अपन को इस बॉक्स में लिखना है अब दोनों को ऐड किया तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोनों को ऐड किया तो कितने स्टार हुए 9 स्टार हुए अब अपन और देखेंगे एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और ये 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 1, 2, 3 plus 1, 2 और ये 3
में नंबर लिखना है कितनी ड्राइंग अपन ने बनाई है। ये पेंसिल बनाई है मैंने, इस तरफ 2 पेंसिल और इस तरफ 5 पेंसिल। अब हम काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है कितनी पेंसिल है, 1 2। इधर कितनी पेंसिल है, 1 2। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब इस तरफ कितनी पेंसिल है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरफ कितनी पेंसिल है, 5। तो अपन इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, 5। इधर 2 पेंसिल थी, 1 2, तो अपन ने इधर क्या लिखा, 2। इस तरफ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स में क्या लिखा अपन ने, 5। अब ये बॉक्स है प्लस है, प्लस मींस क्या होता है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को साथ जोड़ के इस बॉक्स में लिखना है। अब दोनों को साथ जोड़ के लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों तरफ के साथ में अपन ने काउंट की तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों तरफ की काउंट की तो कितनी पेंसिल है, पूरी 7 पेंसिल है। 2 पेंसिल इधर है, 5 पेंसिल इधर है। 2 + 5 कितने होंगे, 7। फिर यहाँ पे मैंने कैट बनाई है, कैट की ड्राइंग है, काउंट करते हैं कितने कैट है। इस तरफ कितनी है, 1। कितनी कैट है इस तरफ, 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1। अब इधर कितनी कैट है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कैट है इस तरफ, 7। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 7। अब इस बॉक्स में इन दोनों को काउंट करके, ये प्लस है तो दोनों को ऐड करके इस बॉक्स में लिखना है कि दोनों तरफ कितनी कैट है, दोनों तरफ कितनी कैट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरी कैट कितनी है, 8 कैट है। कितनी है, 8। 1 + 7 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे 1 का कैट थी तो अपने यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा। इधर 1 2 3 4 5 6 7 कैट थी तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा। अब दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़कर लिखना है कि दोनों तरफ कितनी कैट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों तरफ 8 कैट थी तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 8 लिखा। फिर है ये फिश, इस तरफ ड्राइंग है और उस तरफ ड्राइंग है, मेरे को दोनों के नंबर इन बॉक्स में लिखने हैं। 1 2 3, इस तरफ कितनी फिश है, 3। 1 2 3, तो मैं इस बॉक्स में क्या लिखूंगी, 3। प्लस है प्लस, फिर इस तरफ कितनी फिश है प्लस के इधर, 1 2 3, इस तरफ भी कितनी फिश है, 3। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 3। अब इस बॉक्स में मुझे लिखना है दोनों को ऐड करके, प्लस है प्लस मींस क्या होता है, ऐड। प्लस मींस क्या होगा, ऐड। तो मुझे इन दोनों को ऐड करके इस बॉक्स में लिखना है, 1 2 3 4 5 6। दोनों तरफ कितनी फिश है, 6 फिश है। 3 + 3 कितने होंगे, 6। 3 + 3 6। इस तरफ कितनी फिश थी, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3। फिर प्लस, इस तरफ कितनी थी, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा, 3। अब दोनों को साथ लिखना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखा, 6। समझ में आया आपको एडिशन। देखो यहाँ पे इस तरफ कितनी ड्राइंग है, 1 2, तो मैंने यहाँ लिखा 2। फिर है प्लस, प्लस इस तरफ 1 2 3 4 5, तो यहाँ इस बॉक्स में मैंने क्या लिखा, 5। अब दोनों को काउंट करके, प्लस है तो दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पे लिखना है। दोनों को ऐड किया तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखा यहाँ पे, 7। फिर इस तरफ 1 कैट है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस का प्लस, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 7। अब दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, प्लस मींस क्या होगा, ऐड। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिखूंगी यहाँ पे, 8। फिर यहाँ पे इस तरफ फिश बनी हुई है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3। फिर इधर 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा, 3। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है, 1 2 3 4 5 6, क्या है यहाँ पे, 6। तो आपको एडिशन समझ में आ गया, एडिशन मीन्स क्या होता है, प्लस मीन्स क्या होता है, ऐड। प्लस मीन्स क्या होता है, ऐड। अपन ने दोनों ड्राइंग बनी हुई थी, दोनों ड्राइंग के मेरा नंबर लिखे और फिर उनको ऐड करके बॉक्स में लिखा, तो आपको एडिशन समझ में आ गया। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना। आज का प्रेप क्लास आपका वर्क है, नोटबुक में एडिशन। क्या वर्क है, एडिशन।
आप आज की डेट लगाओगे 28 जुलाई 2020 एंड डे लिखोगे ट्यूसडे और फिर हेडिंग लगाओगे एडिसन। आपको ये ड्राइंग बना के ये नंबर आपको नोटबुक में वर्क करना है। मैथ्स की बुक में आप पेज नंबर निकालो 5757। मैथ्स की बुक में 57 पेज नंबर है, 57 पेज नंबर पे आपको ये एंड एंड राइट दे रखा है। तो आप ये बुक के अंदर भी वर्क करोगे एंड नोटबुक में भी वर्क करोगे। आज की डेट लगाओगे, डे लिखोगे और बुक के अंदर भी ये ड्राइंग आपको काउंट करके इन बॉक्स में नंबर लिखने, और यही वर्क आप नोटबुक में भी करोगे। तो आपका आज का वर्क है एडिशन।